बैक टू अनदर व्लॉग। और बारिश हो रही है बहुत हनोई के अंदर, ये आप देख सकते हैं। सबसे खुशी की बात है आज हैप्पी वुमन डे, तो जो भी वीडियो देख रही हैं माताएं बहनें उन्हें बहुत बहुत वुमन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अभी मैं अपनी बॉस के लिए, भाई वुमन डे है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, तो उनके लिए आज मैं अभी नाश्ता लेके जा रहा हूँ। तो देखो नाश्ता बना दी, ठीक है आपको बताइए। बांगमी मैं खाता हूँ और मेरी बॉस भी बैंगमी खाती है, ठीक है बॉस के लिए। तो उसने रख दी बैंगमी, तो इस तरीके से बनने लग रही मेरी बैंगमी। अभी कॉफ़ी लूँगा, पेस्ट्री लूँगा। तो आज का दिन जो है सारा का सारा बॉस के साथ है, तो अभी दिखाता हूँ और क्या करता हूँ आज पूरे दिन में। अब अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उधर तो बंद हो गया, बंद, ट्रैफिक इतना भयंकर है ना, ठंड होगी भाई इतनी स्टार्ट। जो भी वियतनाम आवे ना भाई जैकेट लेके आइयो अपनी, ठंड होगी इतनी भयंकर स्टार्ट कि पंखा भी चलाना बंद हो गया, गर्म पानी में नहाना स्टार्ट हो गया। जैकेट पहन रखी मैंने दो, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सको ठंड कितनी स्टार्ट होगी एकदम। तो यहाँ से कभी बीमार पड़ जाओ तो इससे अच्छा है अपने साथ जैकेट ज़रूर लेके आओ, एक पतली और एक मोटी, ठीक है। चलो मैं कॉफ़ी शॉप पर पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सी कॉफ़ी लेता हूँ मैं। ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक हो तो ऐसा हो नहीं तो ना हो। ये देखो कितना ट्रैफिक है ना हनोई के अंदर, और जिस दिन बारिश हो और जिस दिन त्योहार हो यहाँ पे, जैसे आज त्योहार है ना आपका वो मंडे, तो उसकी वजह से जो है इतना जो है ट्रैफिक है। जो क्या निकल गया, तो उसकी भयंकर ट्रैफिक है। आज जगह नहीं मिलनी, आज तो किसी रेस्टोरों में, कहीं मूवी हॉल में, कुछ कोई जगह कहीं नहीं मिलनी आज। आज पूरी हनोई जो है ना आपको ऐसे सुबह से लेकर शाम तक ऐसी बस अपनी दुकान, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस पे पहुंच जाओ तो भगवान का शुक्रगुजार होगा। ये देखिए सब जगह से सड़के फड़के सब टूट गई, ऐसा ट्रैफिक है। चलो ये देखो सामने यो ना, ये गाड़ियों में ये फंस गया आंटी, ये टूट गया इसका तो आज ये गई। गाड़ियाँ गाड़ियों के अंदर घुसी हुई हैं, इसको समझ नहीं जा रहा है गाड़ी को, तो अभी सदमा लगा है नीचे से, और बारिश भी होगी तेज। ये देखो गाड़ियाँ अंदर घुस रही है, एक दूसरे के अंदर हैं, मतलब इतनी सी भी जगह नहीं है कि मोटर बाइक वाला निकले। गिरेगी गिरेगी, गिरने वाली तो यहाँ इतनी है ना, आज कम से कम 100 लोग हॉस्पिटल में जाएंगे पक्का है, 100 तो एक हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है, ट्रैफिक ऐसा है, गिरने वाले इतने गिरेंगे ना आज, खासकर लड़कियाँ। अभी तो फंस रहे हैं आज तो भगवान जाने भैया, मेरा तो चलो पास में ही है, पहुँचने वाला 5 मिनट में। तो भाई ये कॉफ़ी आपके भाई ने ले ली है ट्विटर बिंग से, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया एक केक, चॉकलेट माउस केक, और बाकी कॉफ़ी। हेलोवीन भी आ रहा तो यहाँ पे हेलोवीन की भी तैयारी है। जिस बिल्डिंग में मैं काम करूँ ना, जहाँ पे मेरी बॉस कॉफ़ी है वहीं पे ये कॉफ़ी शॉप है, तो यहाँ पे नई नई कॉफ़ी बनती रहेंगी।
मोस्टली मेरी बॉस कॉफ़ी पी गए, तो उसके लिए मैंने आज कॉफ़ी ली। मैं तो बहुत कम पीता, मुझे तो स्मूथी बढ़िया लगे। स्मूथी जो है ना, स्मूथी शेक, चॉकलेट वाले, स्ट्रॉबेरी वाले, बहुत भयंकर बना हुए हैं यहाँ वियतनाम में भी। मज़ा आ जा, चलो अभी बन जाती है कॉफ़ी। भयंकर बारिश है एक हफ्ते की। ये आपके भाई ने ले लिया सामान, ब्रेकफास्ट हो गया, कॉफ़ी आ गई, बैंगनी आ गई, एक केक आ गया। तो आज अपनी बॉस को देता हूँ ये मॉर्निंग का ट्रीट उन्हें। तो अभी जाते हैं बिल्डिंग में, मैं आ गया हूँ। ये देखो, अब मेरी बॉस ना शर्मा हुए कैमरे पे आते हुए। कई बार मैं कोशिश करूँ आ जा पर वो मना करे, तो फिर मैं ज़बरदस्ती करता भी नहीं भाई, जब किसी की इच्छा ना हो। पर केयर करे भाई, प्यार करे, टाइम पे सारे काम हो जाएं उसके साथ, वीज़ा बहुत जल्दी बना दे मेरा। तो चलो मिलता हूँ मैं अभी आपको दोपहर में, मिलता हूँ आज। देखते हैं क्या प्रोग्राम, ही पूछता हूँ क्या प्रोग्राम है, क्या कहीं जाना, मूवी वूवी देखनी या कहीं लंच वंच करना। तो जैसे वो प्रोग्राम बनता है तो फिर आपको दोबारा मिलता हूँ। तो भाई अब आ गए हैं हम CGV में, आज अभी पिक्चर देखने आया हूँ, ब्लैक एडम। रॉक भैया बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, IMAX में देखा है आपका भाई। पूरा ब्लैक ही कर रखा है इन्होंने, बैग बैग ले लिया। मूवी भाई एक नंबर, ब्लैक एडम, मतलब पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन है। सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब से पिक्चर शुरू हुई जब तक एंड हुई, शायद ही उन्होंने बात करी हो आपस में, जब से लड़ी रहे भाई। मूवी एक नंबर बना दी रॉक भाई ने, और जो आखिरी का पोस्ट क्रेडिट सीन है उसने तबाही मचा दी। मज़ा आ गया एक बार, सेम आई नेम शज़ाम। तो चलिए भाई, अब मूवी देखने के बाद हम चलते हैं, ज़रा देख सोचता हूँ क्या खाते पीते हैं। मूवी तो एक नंबर है भाई। तो भाई अब आप आ गए हैं नमस्ते रेस्टोरेंट में, नमस्ते हनोई इंडियन रेस्टोरेंट है हनोई के अंदर। आज जो है यहाँ पे मैंने जो है ऑर्डर किया, मेरी बॉस को बहुत पसंद है डोसा, तो यह है उत्पम डोसा, पनीर, टमाटो, ओनियन, ये सब, आलू, सब कुछ इसके अंदर। आपको पता ही है उत्पम डोसा किस तरह का होता है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट। ये साथ में है एक लस्सी, बनाना लस्सी। तो आज आपका भाई अपनी बॉस को ट्रीट दे रहा है, जो भी, क्योंकि आज वुमेंस डे है और वुमेंस के बिना क्या ये संसार होगा, क्या मैं होऊंगा, क्या आप होंगे। और जब तक हम उनका आदर नहीं करेंगे कुछ अपनी जेब से या उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर जीवन व्यस्त है हमारा, ठीक है ना। फिर ऐसे जीवन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज पार्टी के लिए अपनी बॉस के साथ मैं आया हूँ नमस्ते हनोई रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये इस तरह की यहाँ छोटी छोटी कटोरियों में छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा चटनी दी जाती है। और ये डोसा भाई मैं आपको चलो दिखाता हूँ, ये इस तरीके से डोसा होता है इनका, ठीक है। भरा भरा सा, बढ़िया, एकदम भरवा डोसा होता है। ऐसा नहीं कि आप मजाक में ले सकते डोसे को, ठीक है ना। कि अगर मैं आपको एक, चलो एक बात बता देता हूँ, जब भी आप नमस्ते हनोई रेस्टोरेंट में आओ ना, हनोई के अंदर, इसका नाम नमस्ते हनोई इंडियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे कभी भी ऑर्डर करो ना, ऑर्डर करो जैसे छोले हो गए, ऑर्डर करो जैसे दाल मखनी होगी, डोसा हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, या ग्रिल चिकन हो गया, या बैंगन का भरता हो गया, इस तरह की चीज़ें आप ऑर्डर करो। बाकी जैसे पनीर बटर मसाला हो गया, चिकन बटर मसाला हो गया, या लुधियाना चिकन हो गया, इस तरह की ग्रेवी वाले बहुत कम ऑर्डर करो, क्योंकि उनकी ग्रेवी में आपको वो टेस्ट नहीं आने का जो आपने इंडिया में खाया होगा। नाम तो बड़े भारी हैं लेकिन टेस्ट ना, मैं आपको बताऊँ, टेस्ट इतना अच्छा उनका होता नहीं। मैंने मोस्टली सब कुछ ट्राई कर लिया इनके रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर कुछ अच्छा है तो वो है जैसे दाल मखनी हो गई, छोले भटूरे हो गए, या इस तरह के डोसे वोसे हो गए, या आप जो है बिना तरी वाली कोई सब्जी खाते हो, या बिना तरी वाला चिकन खाते हो, पनीर बटर मसाला हो गया, या पनीर की सब्जी होगी, या पनीर किसी के साथ भी होगा, पनीर की जो भी सब्जी होगी ना वो ऑर्डर मत करियो। ये देखो डोसा भाई, एक नंबर का डोसा था ये भरा हुआ। तो अगर आपको डोसा खाना तो डोसा ऑर्डर करो, मज़ा आ जाएगा आपको खा के, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये एक लुधियाना अंडा चिकन ऑर्डर किया था,
भाई मैं इसका टेस्ट बता नहीं सकता आपको, मैं मतलब इसका टेस्ट ऐसा है कि मैं दोबारा नहीं खाने का आगे इसे। इनकी सारी ग्रेवियों के टेस्ट ना मुझे एक जैसे ही लगे, एक ही जैसे है, मतलब हर चीज़ की ग्रेवी एक जैसी है। चाहे आप पनीर बटर मसाला मंगा लो, चाहे आप चिकन बटर मसाला मंगा लो, चाहे कोई भी ग्रेवी वाला सामान आप मंगा लो, सबकी ग्रेवी एक जैसी है। और इसकी ग्रेवी तो इतनी ख़राब थी ना, मैं क्या बताऊँ। बस कई बार मुझे गुस्सा आ गया, नमस्ते वालों पैसे तो ऐसे ले हुए ना, ये बहुत तगड़े पैसे ले हुए हैं, पर जो है ग्रेवी का टेस्ट इनका सबका एक जैसा है, सेम टू सेम। तो मैं आपको जो है सलाह देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और इंडियन रेस्टोरेंट में खाना ट्राई करते हैं नमस्ते में, तो ऑर्डर करें, पराठा ऑर्डर कर लें, ऐसी तरह के नान ऑर्डर कर लें, पर कोई भी ग्रेवी वाला चिकन या पनीर ऑर्डर ना करें, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। एक्सपीरियंस के लिए आप खा सकते हैं, ठीक है, कि आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है तो आप खा लें, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। क्योंकि हम इंडियंस को टेस्ट पहले से पता है, हम इंडिया से होके आए हैं, हम इंडिया में ये सब कुछ खा चुके हैं जो यहाँ पे ये हमें दे रहे हैं, तो टेस्ट हमें पता है, वो वाला टेस्ट भी है ना। और आपको टेस्ट ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं ना ही खाता, क्योंकि पैसे आप दोगे बहुत भारी, कोई बहुत सस्ता खाना नहीं है यो। 150 VND, 140 VND, 150 VND की एक सब्जी है, ठीक है, यानी 500 रुपये की आप मान के चलो इंडिया के हिसाब से एक सब्जी है। पराठे बहुत अच्छे होते हैं इनके, नान भी बहुत अच्छे होते हैं, पर महंगे बहुत होते हैं। 40 VND का एक पराठा, 40 VND का एक नान, ये देखो गरम गरम बिल्कुल। गोभी का पराठा जरूर खाइयो आप जाके नमस्ते पे, ठीक है। डोसा बिल्कुल ऑर्डर करियो, मैं कहता हूँ डोसा जरूर खाना, डोसा ही खाना चाहे वहाँ। नॉर्थ इंडियन खाना बहुत बढ़िया दे, वो साउथ इंडियन खाना बहुत बढ़िया देते हैं, ठीक है, पर नॉर्थ इंडियन जो खाना है ना वो बिल्कुल मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा था। बाकी आपकी अपनी अपनी इच्छा है कि अगर आपको वहाँ पे जाके खाना है तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके खा सकते हैं। तो ये आज जो है मैंने अपनी बॉस को पार्टी दी है, पिक्चर दिखाई है, सुबह नाश्ता कराया था, अब लंच कराया है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम 100 लाइक्स का हम जो है टारगेट रखते हैं, सिर्फ 100। मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लेकिन बस 100 ही मुझे व्यूज, 100 ही लाइक चाहिए, कृपया 100 लाइक कर दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अभी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। मौसम बहुत ख़राब है बाहर, ठीक है, मुझे कपड़े बदलने पड़े, आपने देखा टी शर्ट में भीग गई, बारिश इतनी है ना भयंकर, बहुत बारिश है, बहुत मौसम ख़राब है अभी वियतनाम के अंदर। तो इसलिए चलिए मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। We'll be right back.